ये जी दोस्त की गाड़ी है, इस पे कर पीछे से टैक्सी वाले ने ठोक लिया रहा पीछे से ना, खड़ी खड़ी गाड़ी को है ना थले लाक हों वे ये देखी ए हाथ पाना है इंज उपर ए ब्रेक आज। ये कस्टमर ड्रॉप किया जी सतवा साइड पे, 44 मिनट्स लगे हैं और तकरीबन ये देखें 19.5 यानी कि 19.5 किलोमीटर का ट्रिप था ये। अच्छा किसी का भी वेज मैप नहीं चल रहा ठीक है, आज बहुत से दोस्त मैसेज मुझे कर रहे हैं और ट्रैफिक देखें बहुत दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि यार वेज मैप नहीं चल रहा। इस कस्टमर को जी देरा ड्रॉप किया, ये देखें देरा भी सेम लाइक पाकिस्तान के जैसे बाजार होते हैं वैसे ही है। 146 कैश बैलेंस बना है, हमें कितना रिसीव हुआ है वो देखते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज तकरीबन 10 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता यार वीडियो बनाने का। असल में एक प्रोसेस होता है आपको पता है, पहले वीडियो बनाओ फिर एडिट करो फिर अपलोड करो, तो बड़ा टाइम लग जाता है और इतना टाइम होता नहीं है। तो आज अर्निंग्स का व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। आज 6 नवंबर है 2024 और अभी टाइम जो सा है 7:40 हो चुके हैं। अभी नाश्ता करने लगा, नाश्ता वगैरह करके तो गाड़ी का ऑयल भी चेंज करवाना है हमने, फिर आज काम करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा होगा और हमारा दिन अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। तो लेट्स गो, अभी कर लेते हैं नाश्ता फिर करते हैं काम स्टार्ट। गाड़ी का ऑयल भी चेंज होने वाला है तो मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। अगर इसको बंद करके जब स्टार्ट करते हैं ना तो फिर शो होता है सामने, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ से धूप काफ़ी पड़ रही है, अभी यहाँ पर ना आएगा ऑयल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। ये देखिएगा यहाँ, ओ यार ये देखिएगा यहाँ पे ये ऑयल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड सून, ठीक है। तकरीबन 200 किलोमीटर कुछ रह गया, वो तो आज ही चल जाएगी। तो मैंने सोचा नाश्ता करके इसका ऑयल सेल चेंज करवा लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला काम स्टार्ट करते हैं। तो ये जी दोस्त की गाड़ी है, इस पे कर पीछे से टैक्सी वाले ने ठोक दिया रहा पीछे से ना, खड़ी खड़ी गाड़ी को। तो अभी इसको खोल सू ए थले लाक हों वे ये देखी ए हाथ पाना है इंज उपर ए ब्रेक आज एज कपड़ा इसमें डिप करो थोड़ा सा, बहुत लै के आ रगड़ आए। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला शाबाश थलू है। 8:30 बज चुके हैं और ऑयल भी इसका चेंज करवाना है, लेकिन अभी ड्यूटी करते हैं स्टार्ट। आईडी ऑन कर दी है, उबर क्रीम मैंने ऑन कर दी है, तो अभी देखते हैं हमें पहली राइड कब मिलती है। A few moments later. पहली राइड जो सा मिल गई है, 8:33 अभी हुए हैं और मैं अभी चाय पी रहा था। पहला ट्रिप जो सा हमें मिल गया यहाँ से, तो अभी इसको पिक करते हैं देखते हैं फिर ये कहाँ पे जाता है। मॉर्निंग सुबह सुबह का भी टाइम है देख सकते हो, 8:33 हुए हैं, 8:33। अच्छा इसको ड्रॉप किया बिजनेस बे, छोटी सी राइड थी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की ना, बिजनेस बे इसको ड्रॉप किया है। और कितना मिला जी, कितना मिला, छोटी सी राइड थी, कोई इतनी बड़ी राइड नहीं थी, तो 38 मिले हैं जी फर्स्ट ट्रिप के। सही है, बिजनेस बेस को ड्रॉप किया है और अभी धूप देखें कैसे निकल रही है माशाल्लाह। अभी देखते हैं इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट ट्रिप। अभी पाम में ना मैं आके बैठ गया हूँ, तकरीबन 9:47 हो चुके हैं। अभी देखते हैं हमें ट्रिप कब मिलता है, ट्रिप ढूंढ रहा हूँ अभी मैं, ये देख सकते हैं आप। अभी एक ही ट्रिप लगा है सुबह का और दूसरे ट्रिप का हम वेट कर रहे हैं। A few minutes later. भाई साहब ये दूसरी राइड मिली है, 10:30 बज चुके हैं, दूसरी राइड अभी मिली है तो इसको पिक कर लेते हैं, तो उसके बाद देखते हैं ये कहाँ पे जाता है। 10:30 बज चुके हैं और ये दूसरी राइड हमें मिली है, इसको अराइव कर देते हैं ठीक है जी। एलेक्से इसका नाम है, एलेक्से,
अभी देखते हैं ये कहाँ पे जाता है। 10:30 बज चुके हैं और अभी हमें दूसरी राइड मिली है। 1 hour later इस कस्टमर को जी देरा ड्रॉप किया। ये देखें, देरा भी सेम लाइक पाकिस्तान के जैसे बाजार होते हैं वैसे ही है। 146 कैश बैलेंस बना है, हमें कितना रिसीव हुआ है वो देखते हैं ज़रा। इसको करते हैं सबमिट और हमें रिसीव हुए हैं जी 106, ठीक है, 0.18, 100 दरम हमें रिसीव हुआ है। और ये देखें देरा में ड्रॉप किया और देरा सेम लाइक पाकिस्तान या ये देखें, ठीक है, जहाँ मर्जी घूमो और जो मर्जी करते फिरो, ठीक है जी। तो इसको देरा में ड्रॉप किया, अभी ढूंढ लेते हैं अपना नेक्स्ट कस्टमर, देखते हैं हमें अपना नेक्स्ट कस्टमर कब मिलता है। देरा में कस्टमर ड्रॉप किया, दूसरा टाइम हो चुका है 11:00, ये देखें 11:30 हो चुके हैं, ठीक है जी, 2 कस्टमर हमने ड्रॉप कर दिए हैं। 11:50 हो चुके हैं और मैं ना आ गया हूँ पेट्रोल स्टेशन पे। मैंने सोचा फ्यूल शूल फिल कर लेते हैं और काफ़ी पीने का दिल कर रहा है, मुझे नींद आ रही है। तो जब नींद शींद आए तो काफ़ी का एक कप पी ले ना बंदा तो फ्रेश हो जाता थोड़ा सा। तो अभी फ्यूल शूल फिल कर लेते हैं और उसके बाद ज़रा काफ़ी शाफी पी लूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप अपना। फ्यूल भी हमारा फिल हो चुका है जी, 12:00 हैं और अभी हम अपना नेक्स्ट ट्रिप ढूंढ लेते हैं। बस मैं काफ़ी शाफी पी लूँ एक दफ़ा, अभी हम अपना नेक्स्ट ट्रिप ढूंढते हैं। 12:30 मैं ना पाम में आ गया, पाम में राउंड शाउंड लगाते हैं, इंशाल्लाह ताला राइड हमें मिलेगी। जो डे में काम करते हैं ना डे में, उन्हें चाहिए कि सुबह 4:00 यानी कि सुबह जो फर्स्ट टाइम होता है ना स्कूल टाइम ऑफिस टाइम वो उठाएं। अगर आप सुबह यानी कि जैसा कि आज मैं निकलूँ, लेकिन मैं तो निकला हूँ लेट, 8:30-9:00 थे। अगर आपने सुबह काम करना है तो सुबह के लिए बेहतर यही है कि बंदा निकले जी सुबह 4-5 बजे, ताकि आपको स्कूल के ट्रिप्स मिले, एयरपोर्ट भी मिल जाते हैं, उसके बाद आपको ये जो ऑफिस टाइम होता है वो भी मिल जाता है। और अगर आप शाम में करें काम तो मेरे ख्याल से 2:00-3:00 के बाद तो वैसे ही काम बहुत हो जाता है। तो अभी 12:30 हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह 3:00 क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके बाद फिर काम ज़रा ज़्यादा हो जाता है। और जो डे शिफ्ट करते हैं उन्होंने अपने पार्टनर्स को गाड़ियाँ देनी होती हैं, जिस वजह से जो सारा गाड़ियाँ कम हो जाती हैं तो काम थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो अभी देखते हैं हमें नेक्स्ट ट्रिप कब मिलता है। अभी मैं पाम में राउंड शाउंड लगा रहा हूँ, 12:25 हो चुके हैं। तो आप लगा लें, आप नवंबर चल रहा है, ठीक है, और ये देखें 1:28 हो चुके हैं अभी तक। सुबह के बाद हमने वो 2 ट्रिप लगाए हुए हैं और अभी राउंड शाउंड लगाते हैं, देखते हैं ट्रिप मिलता है नहीं मिलता। 2:45 पे यानी कि ऑलमोस्ट 3:00 स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो उसके बाद फिर काम ज़रा सही हो जाता है, फिर तो वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता, काम की सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाती है। राइड्स पे राइड आती हैं, उसकी रीज़न ये होती है ट्रैफिक हो जाती है जैम, ठीक है, अगर आपके पास कस्टमर है तो आप ट्रैफिक में स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर फिर ज़्यादा हो जाते हैं थोड़े से। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप हमें मिलता यार कब मिलता है। सुबह के बाद 2 ट्रिप लगाए हुए हैं और 1:28 हो चुके हैं। भाई साहब फुल बेकार बेकार दिन गुजर रहा है, 2:00 हैं और अभी तक सुबह से 2 राइडें लगाई हुई हैं, वो देख सकते हो आप, 2:00 हैं, ठीक है, ये देखो 2:00 हैं और सुबह से 2 राइड्स ओनली। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ले जी भाई साहब 2:03 हो चुके हैं और ये हमें राइड अभी मिली है 2:03 से, जबील सराय से राइड मिल गई है, इसको पिक करते हैं, देखते हैं ये कहाँ पे जाता है। 2:00 हैं और अभी तीसरी राइड अभी मिली है हमें, ये देखें कैमरा भी आज फोकस ही नहीं कर रहा, अभी इसको पिक करते हैं, देखते हैं फिर ये कहाँ पे जाता है। यहाँ पे लगा लेते हैं गाड़ी, वेट करते हैं इसका, ये देख सकते हैं कम्फर्ट की राइड है और रूई रूई इसका नाम है, देखते हैं कि ये कहाँ पर जाता है या जाती है। ये जी कस्टमर ड्रॉप किया मॉल ऑफ द एमिरेट्स, ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, मॉल ऑफ द एमिरेट्स आप सबको पता है बर्षा में बहुत सी ट्रैफिक होती है, देखते हैं इसका पहले फिर कितना हमें मिला है। बर्षा में ना बहुत सी ट्रैफिक होती है और बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता। लोग ये देखें इसका मिला है 58, ठीक है, 58.50 इसका फेयर मिला है, बहुत से लोगों को नहीं पता, लोग फंस जाते हैं इधर ट्रैफिक में, ठीक है, और बहुत से लोगों को पता है। आपने निकलना कैसे है बिना ट्रैफिक में जलील होने के, यानी कि ट्रैफिक से बचने के लिए किस रास्ते से निकलना है, तो आप हमेशा जो सा ना शहजाद रोड से एग्जिट करें। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें किसी भी एंट्रेंस के पास हैं, अगर आप किसी भी
एंट्रेंस के पास है, ये ऊपर बोर्ड्स लगे हुए हैं, आप पढ़ते पढ़ते जाओ। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा, ये देखिए आपको बताता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, जिनको पता उनको पता, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। लोग मॉल ऑफ द एमिरेट्स जब आते हैं तो फंस जाते हैं जी ट्रैफिक में, क्योंकि इधर अलबर्शा में अगर आप निकल जाओगे ना तो आपके 30-35 मिनट कन्फर्म जो है वो ज़ाया हो जाएंगे अगर आप अलबर्शा की तरफ निकल जाते हो, इतनी ट्रैफिक होती है, आप सबको पता ही होगा। तो अब ये देखें एग्जिट, एग्जिट का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे बोर्ड पढ़ते पढ़ते निकलें और आगे शहजाद की डायरेक्शंस होंगी, वहाँ से एग्जिट करेंगे, सही है। अगर अलबर्शा में चले गए तो फिर 30-35 मिनट ज़ाया हो जाएंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, इतनी ट्रैफिक होती है, ठीक है। तो ये देखिएगा एग्जिट, वो ऊपर लिखा हुआ एग्जिट, ये देखते जाएं एग्जिट, और ये देखें ऊपर ये लिखा हुआ है जी शहजाद रोड और लिखा हुआ है अलबर्शा, ठीक है। तो शहजाद रोड की तरफ ये देखिए यहाँ पे भी बोर्ड है, शहजाद रोड की तरफ एग्जिट करेंगे, यहाँ से आप आसानी से बिना ट्रैफिक में फंसे निकल जाएंगे बाहर। ये देख सकते हैं एग्जिट अबू धाबी शहजाद रोड। तो ये बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता जब भी मॉल ऑफ द एमिरेट्स आओ यहाँ से निकलो, शहजाद रोड से निकलो फौरन बाहर। ये जी करीम पे हमें राइड मिली है, लेकिन इसने लोकेशन विले की डाली हुई है, यहाँ से इसको सामने से पिक करना है, स्कूल से 3 बज चुके हैं और ये करीम पे हमें राइड आई है, देखते हैं ये कहाँ पे जाती है, कॉल भी इसने मुझे की थी तो इसको पिक करते हैं। 2000 years later. और ये कस्टमर ड्रॉप किया जी सतवा साइड पे, 44 मिनट्स लगे हैं और तकरीबन ये देखें 19.5 यानी कि 19.5 किलोमीटर का ट्रिप था ये, और इसका कितना फेयर मिला है देखते हैं अभी यहाँ से। ओफ सर्च देखें कैसी लगी, अभी मैं पहले ये आईडी बंद कर लूँ, ये देखें सर्च देखें कैसे लगी आईडी, मैंने इसलिए बंद कर दी है, मैंने अभी करीम पे काम नहीं करना, अभी यंगो पे काम करते हैं। अभी ज़रा मैं आपको दिखा दूँ कि इसका कितना हमें फेयर मिला है, 53 बट ओनली 53 मिला जी, ये देखें ओनली 53। ये जी ज़रा यंगो पे राइड तो आई है लेकिन वेज मैप धोखा दे गया है, वो उसकी सारी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, मैंने लैंग्वेज चेंज की है लेकिन फिर अगेन वही आ जाती है। अभी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया तो अभी दोबारा इसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन मुझे पहले एक राइड मिल गई है, इसको ज़रा पिक कर लें, उसके बाद फिर वेज को भी चेक करते हैं, देखते हैं ये कहाँ पर जाता है, यंगो पे ट्रिप मिला हमें। अच्छा किसी का भी वेज मैप नहीं चल रहा, ठीक है। आज बहुत से दोस्त मैसेज मुझे कर रहे हैं और ट्रैफिक देखें, बहुत दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि यार वेज मैप नहीं चल रहा है। अभी मैं एक किसी जगह पे जाऊंगा क्योंकि मैंने ज़रा फ्रेश भी होना है और फिर वेज वहां से चला के तो फिर काम स्टार्ट करना है। मैंने सारी आईडीज बंद की हुई हैं, उबर करीम ये देखें अगर ऑफलाइन की हुई है मैंने, वेज मैप ही नहीं चल रहा सही है, और गूगल पर कुछ मज़ा नहीं आ रही है, देखें सर्च वगैरह लगी हुई है लेकिन मैंने मैप बंद किया हुआ है। अगर यंगो देखें तो दोस्त मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि यार हमारा मैप नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है सब का ही नहीं चल रहा, क्योंकि मेरा खुद का नहीं चल रहा सही है। तो इसको भी मैंने जो उनसे क्लोज किया हुआ है, अभी अगर आप देखें तो मैं अभी किसी जगह पे रुक के दोबारा लॉगिन करूंगा, दोबारा सब कुछ करके तो फिर देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता। मैप भी नहीं चलता रहा और रश होने की वजह से कुछ राइडें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। अभी ये एक राइड आई है, हमें ये देख सकते हैं स्ट्रेजरी से इसको पिक करना है, दुबई टर्मिनल 1 पे लॉन्ग राइड है, ठीक है, और ट्रैफिक बेहिसाब है, यानी कि 100 से तो इसके प्लस बनेंगे सही है। तो अभी इसको पिक कर लेते हैं, पिक करके मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, ऑलमोस्ट इसको 1.5 घंटा तक लग जाएगा ड्रॉप करते करते। अभी इसको पिक करते हैं और फिर इसको ड्रॉप करके बताता हूँ मैं आपको। 1 hour later. तो जी इसको टर्मिनल 1 पे ड्रॉप किया है, ये देख सकते हैं आप, देखते हैं कि इसका कितना फेयर मिलता है। 164 हमें रिसीव हुआ जी, 20 बोनस है, आप देख सकते हैं 20 इंक्लूड बोनस। अभी एयरपोर्ट से निकल लूँ तो फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा जी काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो हो चुका है, आज 2:30 बजे जब मुझे स्कूल का ट्रिप मिला था उस टाइम काम बहुत ख़राब हुआ है। वेज ऑटोमेटिकली जितने ड्राइवर वेज यूज़ करते हैं सब का वेज चलना बंद हो गया था, आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्यों, कोई एरर आ गया था, कोई टेक्निकल इशू आ गया था, वो उसकी एक तो लैंग्वेज चेंज हो गई, दूसरे नंबर पे वो डायरेक्शन ही गलत बताने लगा, मुझे लगा शायद मेरे साथ इस तरह हुए लेकिन मुझे उसी टाइम ही दोस्तों के मैसेज आने लग गए यार वेज ही नहीं चल रहा, फिर मुझे पता चला कि बस ये मेरे साथ नहीं हुआ ये सब के साथ हुआ है। तो उस दौरान काम है भी बहुत था लेकिन उसके बाद उस टाइम यानी कि रुकना भी पड़ा,
क्योंकि मैप नेविगेशन ही नहीं चलेगा तो पता कैसे चलेगा कस्टमर को कहाँ लेके जाना है, कहाँ से पिक करना है। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। और उसके बाद जोन साहब फिर जब काम स्टार्ट किया, काम होता भी जोन साहब वो पिछले टाइम या थोड़ा सा पीक आवर्स होते हैं 2-3 घंटे, बहुत काम होता है, लेकिन उस टाइम ट्रैफिक बहुत होती है, तो बंदा बस ट्रैफिक में अगर स्टक हो जाए तो फिर आप काम नहीं कर सकते। तो मैं डाउनटाउन में फंस गया था, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी। सो आज जितना काम किया फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया काम। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा क्योंकि अभी मैंने काउंट करना है, तो इसलिए जितना भी हुआ है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और फ्यूल की अगर बात करें, फ्यूल 50-55 मैक्सिमम 60 का वैसे लगा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज से बताया है। सो आपके माइंड में कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, बसते रहें। अल्लाह हाफिज़।